everyone, my name is Sukhvinder. I am a .NET trainer in Infowiz Chandigarh. आज हम डिस्कस करेंगे .NET के बारे में कि .NET है क्या, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं. हम आजकल हम जो भी चीज़ खरीदते हैं ऑनलाइन खरीदते हैं, ठीक है, उसके लिए हम वेबसाइट देखते हैं. तो वेबसाइट बनती कैसे है? हम PHP में भी वेबसाइट बनाते हैं, जावा में भी बनाते हैं, तो हम .NET में भी सेम क्या बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं. लेकिन .NET में हम क्यों बनाते हैं वेबसाइट? क्योंकि जावा में हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो हम यूज करते हैं जावा लैंग्वेज, ठीक है. PHP में बनाते हैं तो PHP लैंग्वेज यूज करते हैं. तो .NET में हमें कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करने के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं यूज करते, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. .NET क्या है? हमारा एक फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी लैंग्वेज में हमारी जो एप्लीकेशंस हैं बना सकते हैं. हम इसमें तीन तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे विंडो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन. तो PHP में हम क्या बनाते हैं, वेबसाइट. जावा में हम डेस्कटॉप भी बना सकते हैं, आप वेबसाइट भी बना सकते हो. लेकिन जावा में अगर आपने यूज़ करनी है मोबाइल एप्लीकेशन तो उसके लिए आप एंड्रॉयड सीखते हो, तो उसके लिए एंड्रॉयड यूज़ करनी पड़ती है. लेकिन .NET में क्या है कि ये तीनों एप्लीकेशन आप एक ही लैंग्वेज से बना सकते हो, ठीक है. तो इसमें आप जो लैंग्वेजेस यूज करते हो, दैट इज C#, C++, सी, VB, J#, तो आप ऐसे 30+ लैंग्वेज है जिनको आप यूज करके क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशंस को बना सकते हो. और नेक्स्ट आती है आपकी विंडो एप्लीकेशन. विंडो एप्लीकेशन के लिए, विंडो एप्लीकेशन होती क्या है? विंडो एप्लीकेशन होती है जो आपके लोकल होस्ट पे चलती है, लाइक आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आप अपने PC पे चलाते हो. वेब एप्लीकेशन जिसे हम नेट के थ्रू क्या करते हैं, कहीं पे भी चला सकते हैं. और मोबाइल एप्लीकेशन जैसे आपकी एप्लीकेशन जो मोबाइल पे एप्स होती हैं वो चलती हैं. तो ये तीनों को आप एक ही लैंग्वेज यूज करके बना सकते हो. सपोज आपका बैकग्राउंड C++ से है तो आप C# या C++ से क्या कर सकते हो, तीनों को बना सकते हो, ठीक है. आपका बैकग्राउंड जावा से है तो आप J# यूज करोगे, ठीक है. ऐसे आपका जिस लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट है आप उस लैंग्वेज को यूज करके क्या कर सकते हो, तीनों एप्लीकेशन को बना सकते हो. तो .NET जो है बेसिकली जो फ्रेमवर्क है वो 2002 में क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था. तो नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि .NET का जो आर्किटेक्चर है उसमें क्या होता है. सबसे पहले आती है आपकी लेयर फर्स्ट, जिसमें आपकी होती है लैंग्वेजेस. आपने किस लैंग्वेज को यूज करना है एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए. सेकंड लेयर आती है आपकी कि आपने एप्लीकेशन कौन सी बनानी है. आप कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हो, वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो. थर्ड लेयर आती है आपकी ADO.NET. ADO.NET होती है आपकी एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट्स. इसमें क्या होता है कि जो आपका बैकएंड है और आपका फ्रंट एंड है उनको कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं. ADO.NET में आपका क्या होता है कि जो आपका डेटाबेस है या डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है. तो थर्ड लेयर आपकी बताती है कि आपने कौन सा डेटाबेस यूज करना है. बेसिकली डेटाबेस इसमें आप SQL यूज कर सकते हो, SQL सर्वर हो गया आपका, ODBC हो गया, Oracle हो गया, SS हो गया, जो भी आपने डेटाबेस यूज करना है. C# के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं SQL सर्वर. माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका क्या करता है कि प्रेफर करता है कि आप जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो आप C# में बनाओ. फोर्थ लेयर आपकी आती है BCL एंड FCL, दैट इज बेस क्लास लाइब्रेरी और फाउंडेशन क्लास लाइब्रेरी. इसमें क्या होता है कि आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसकी क्लासेस, उसके पैकेज, जितने भी मेथड्स हैं, प्री डिफाइंड जो भी क्लासेस हैं वो सारी क्या होती हैं, इसमें स्टोर होती हैं. तो ये जैसे हम C
करते हैं वैसे हमारी जो ये है वो बेस क्लास लाइब्रेरी है। फिफ्थ लेयर आपकी आती है CLR, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये बेसिकली क्या है, आपका इंजन है जो क्या करता है, आपकी हेल्प करता है पूरे प्रोजेक्ट को रन टाइम पे एग्जीक्यूट करने के लिए, कि उसका मेमोरी मैनेजमेंट, उसमें गार्बेज कलेक्टर, सारी जो भी फंक्शनैलिटी होती है वो सारी यहाँ पे परफॉर्म होती है, और जो भी हमारा प्रोजेक्ट बना है जिस कोड में बना है वो उसको एग्जीक्यूटेबल यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। लास्ट पे आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आपकी एप्लीकेशन बन गई है वो अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या होगी, रन होगी। तो इस आर्किटेक्चर से क्या होता है, सारा हम चेक करते हैं कि कैसे हमने अपनी एप्लीकेशन को बनाना है और क्या क्या उसमें यूज करना है। तो नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ, ये चीज जो हमने कोड करना है वो बनेगा किस पे। इसके लिए हम यूज करते हैं IDE, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके लिए हम यूज करते हैं विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो क्या है, एक आपका एडिटर है जिसमें आप अपना सारा कोड राइट करते हो, जो भी मर्जी आपने लैंग्वेज यूज करनी है, जैसे C# है, जो भी है, तो उसमें आपका क्या होएगा, सारा कोड रिटर्न होएगा। उसमें आपके सारे टूल्स होंगे, जो टूल बॉक्स में होंगे, जितने भी आपने कंट्रोल्स यूज करने हैं, सीधा आप क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम करोगे। वेबसाइट बेसिकली क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस। तो वेब पेज बनाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, टूल्स। तो यहाँ पे हम .NET में क्या करते हैं, जैसे PHP जावा है, उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर कोड लिखते हैं किसी भी कंट्रोल को लिखने यूज करने के लिए। तो इसमें यहाँ पे आपके क्या होंगे, सारे जो भी टूल्स हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज होंगे, और सिंपली आप एक अपना वेब फॉर्म क्रिएट करोगे। उसके बाद उस वेब फॉर्म के अंदर जो भी आप कंट्रोल्स यूज कर रहे हो उनकी सारी प्रॉपर्टीज वो आपकी प्रॉपर्टी विंडो में होगी, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में होगी, और ऐसे आप क्या कर रहे हो, अपनी वेबसाइट को बना रहे हो, और उसके बाद आपने इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो सिंपली एडिटर आप यूज करोगे उसको बनाने के लिए। अब जो है आपका .NET फ्रेमवर्क है, इसके फीचर्स क्या है, फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सेकंड है आपका लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, और थर्ड है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो, जैसे C# है, क्या है, एक एडवांस फीचर है आपका C और C++ का, ठीक है। तो C++ में क्या था कि C++ आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सेम आपकी जो C# भी है वो भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसमें आप क्लासेस यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी है आपकी। नेक्स्ट आपका है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मींस कि आप इसमें मल्टीपल लैंग्वेज यूज कर सकते हो कोई भी, जैसे आपको बताई दिया मैंने C++ यूज कर सकते हो, C#, ऐसी 30+ लैंग्वेजेस हैं जिनको आप यूज करके कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो। तो बेसिकली ये क्या है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की इसमें आपका CLR है जो आपकी इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। CLR में क्या होता है कि सारे जो भी आपका कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है नेटिव कोड में, तो बेसिकली किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको चलाओगे तो वो एग्जीक्यूट होएगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट।
गया, जो भी आपने इसमें बनाया आप किसी भी सिस्टम पे आप उसको चला सकते हो। और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है कि किसी भी लैंग्वेज में आपने उसको बनाया है तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो किसी भी और लैंग्वेज में, जैसे भी जैसे जो जो सी लैंग्वेज हम इनमें यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट आप .NET के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वेब फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपके आते हैं कंट्रोल्स, कि आपने कौन से कंट्रोल यूज करने हैं। वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले आपका एक वेब फॉर्म होता है। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो सबसे पहले आपके पास फॉर्म आता है कि आपको उस वेबसाइट पे रजिस्टर करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका फॉर्म आता है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास कंट्रोल्स होंगे, जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, लेबल लगाना है। सिंपल एक फॉर्म कैसा होता है, रजिस्ट्रेशन का। तो सिंपली इसको बनाने के लिए हम पीएचपी में कोड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा हमने क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। हमारे पास टूल बॉक्स में हमारे पास लेबल होएगा, लेबल कंट्रोल। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसके लिए हमारे पास होएगा टेक्स्ट बॉक्स। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसको ड्रैग करके यहाँ लिखा, और इसकी प्रॉपर्टीज हमारी जो विजुअल स्टूडियो है उसके साइड पे आएगी प्रॉपर्टीज। यहाँ पे इस लेबल की आईडी आएगी, नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज में हमने टेक्स्ट क्या लिखना है, नेम। तो सीधा हम क्या लिख देंगे उसके टेक्स्ट में, उसकी प्रॉपर्टीज में नेम लिख देंगे, और उसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज में हमने उसको नाम देना है, कोई भी प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है, CSS फाइल यूज करनी है, उसको कलर करना है, तो सारा उसकी प्रॉपर्टीज में आएगा। तो ऐसे करके हमने सेम ईमेल के लिए भी लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जेंडर के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेडियो बटन्स। तो इधर हमारे पास होएगा रेडियो बटन लिस्ट। तो सिंपली हमने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है रेडियो बटन लिस्ट, और उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, एडिट आइटम करेंगे। तो सेम उसमें हम ऐड कर देंगे कि कितने फील्ड्स हमने ऐड करने हैं, मेल और फीमेल के लिए करना है तो दो फील्ड्स हम उसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बटन। तो सिंपली हमने क्या किया, बटन को ड्रैग किया और यहाँ पे हमारा उस पर टेक्स्ट हमने लिख दिया रजिस्टर। तो सिंपली ये हमारा एक वेब फॉर्म बन गया है। लेकिन इस वेब फॉर्म के लिए हमने कोड क्या करना है, कि ये वेब फॉर्म सर्वर साइड होना चाहिए, कहीं ना कहीं पे जाना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारे पास इसकी जो वेब फॉर्म का नाम है वो बाई डिफॉल्ट .aspx से आएगा। तो इसको हम रीनेम कर सकते हैं, और इसके लिए इसके अंदर एक फाइल बनती है हमारी डिफॉल्ट .aspx.cs, दैट इज C# फाइल। C# जो फाइल है, जब भी हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें तो हमें हमारा कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो जब इस पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारी CS फाइल ओपन होती है, और वहाँ पे सीधा डायरेक्ट हमारा एक इवेंट अकर हो जाता है अपने आप। तो उस इवेंट के अंदर जो भी हमने परफॉर्म कराना है तो उसके अंदर हम कोड लिखेंगे और वो चीज़ परफॉर्म हो जाएगी। अब कोड क्या लिखना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, C# पहले सीखनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले आपको C# के टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें की क्लासेस क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, तो वो सारा आपका C# में आ जाएगा। उसके बाद आप सिंपली उसकी कोडिंग को कर सकते हो, और इसके बारे में आगे जो भी C# में आपने पढ़ना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी। थैंक यू।